Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. Estran, Unisex Salon, Kacheri Road, Ajmer. Salon, jo aapko deta hai style. Jai Hind, main Lalit Khatri aur MTTV India par aaj baat Swachh Bharat Mission par Ajmer ke halaton par. कहने को तो अजमेर स्मार्ट सिटी और क्लीन सिटी बन चुका है, लेकिन यहाँ के हालात आज भी सफाई के मामले में वैसे के वैसे हैं जैसे स्मार्ट सिटी की घोषणा से पहले थे। शहर में कचरों के लिए सड़क किनारे जो स्थान तय हैं, वहाँ के हालात बेहद विकट है। शादी समारोह स्थल से आने वाला पूरा कचरा यहीं फेंका जाता है। ये तस्वीरें देखिए, अजमेर के मित्तल अस्पताल के ठीक सामने की ये तस्वीरें हैं। कहने को तो रोज कचरा यहाँ से उठाया जाता है, लेकिन आपको और अधिकारियों को ये दिखाने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन की खुलेआम जगहसाई किस तरह से हो रही है। इस सड़क से गुजरने वाले राहगीरों की हालत तो ये है कि यहाँ से बिना नाक बंद किए गुजरना बहुत मुश्किल है। खैर, अब इस कचरे में खाना तलाश रही इस गाय को भी देख लीजिए। अब इस बेजुबान जानवर को क्या पता कि ये कचरा इसके जीने का सहारा नहीं, मरने का कारण है। अजमेर में गायों की मौत का आंकड़ा फिलहाल तो काफी कम है, लेकिन ये तस्वीरें बताती है कि गायों की मौत का एक बड़ा कारण कचरे में पड़ी ये प्लास्टिक ही है। एमटीटीवी इंडिया ने शहर के कई कचरा पात्रों के निकट की पड़ताल करी, जिसमें नजर आ रहा है कि इन्हीं कचरा पात्रों से गायों के पेट में रोजाना 40 से 50 किलो तक प्लास्टिक जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर पर्यावरणविद तक चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद बाजार में धड़ल्ले से पॉलिथीन का प्रयोग अभी भी जारी है। हालांकि ये प्लास्टिक पर्यावरण के लिए इतना घातक है, फिर भी इसके लिए गंभीरता ना तो प्रशासन में है और ना ही आमजन में। अजमेर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी प्लास्टिक की रोकथाम के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं, फिर भला इस प्लास्टिक और गायों की मौत को रोकेगा कौन। खैर, हमने शहर में पड़ताल की तब एक तस्वीर और साफ हुई कि अजमेर का प्रशासन भी कानून बनने के बावजूद कारोबारियों के सामने बेबस नजर आ रहा है। पड़ताल में ये भी नजर आया कि शहर के कचरा पात्रों में सबसे ज्यादा प्लास्टिक शहर में ही पैक होने वाली चाय, नमकीन और सरस डेयरी की थैलियों का दिखाई दिया जाना है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि सरकारें प्लास्टिक पर बैन तो लगा देती है, लेकिन उस पर अमल ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए बैन के बावजूद कुछ नहीं बदलता है। शहर में प्लास्टिक और गायों की मौत को लेकर एमटीटीवी इंडिया के संपादक सुशील पाल ने शहरवासियों और व्यापारियों से इस मुद्दे पर बात की। चलिए अब वो देखते हैं। मेरे साथी ने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया, उस रिपोर्ट को हम ग्राउंड पर देखने के लिए आए हैं। मित्तल अस्पताल के बिल्कुल सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। ये यहाँ पर खुले में, ये देख लीजिए, आपको मैं सड़क से दूरी दिखाता हूँ। मेरे सहयोगी राजवीर कहूँगा, वो पीछे की तस्वीर एक बार दिखाए। सड़क की जो दूरी है और जो कचरा डालने की जो जगह है, उस दूरी को आप बिल्कुल कैमरे की इस तस्वीरों से आप देखिए। इस तस्वीरों को आप दोबारा से, मैं आपको, मेरे सहयोगी कहूँगा, वो दिखाएगा आपको। ये देखिए, गाय यहाँ पर दिन भर यहाँ पर मौजूद रहती है। जितने भी लोग हैं, आसपास के जो इलाका हैं और जो शादी समारोह स्थल यहाँ पर पड़ते हैं, वो सभी यहाँ पर खाना डालते हैं। और इस समय यहाँ पर बदबू की हालत इतनी ज़बरदस्त है कि बोल पाना बेहद मुश्किल हो पा रहा है। आपको जो कचरे के ढेर दिखाई दे रहे होंगे, सारे कचरे के ढेर के अंदर आपको खाने का जो आइटम होता है, वो यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई देगा। गाय जो है, गाय यहाँ पर बराबर बनी हुई रहती है। इस समय जब हम आए हैं, तब यहाँ पर 3 गाय हैं। जब यहाँ से सुबह से दिन भर जब लोग यहाँ से गुजरते हैं, तो तकरीबन 2 दर्जन गाय यहाँ पर मौजूद होती हैं। और प्लास्टिक जो है, वो प्लास्टिक खास तौर पर जो उसके ऊपर उत्पाद पदार्थ जो लगा होता है, गाय उसको लगातार खाती रहती है। आपको ये दिखाएंगे हम तस्वीरों के अंदर कि जो शादी समारोह स्थल यहाँ पर निकट के अंदर बहुत सारे हैं, उनका तमाम कचरा यहाँ पर डाला जाता है। रोजाना सफाई तो यहाँ पर होती है, यहाँ से कचरा उठाया भी जाता है अजमेर नगर निगम की ओर से, लेकिन जो मुस्तैदी इन जानवरों की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और सबसे ख़ास बात, जो दूरी मैंने आपको यहाँ पर सड़क की जो दूरी मैंने आपको बताई, उस दूरी से अंदाज़ा आप ये लगा लीजिए कि जब यहाँ से कोई भी राहगीर या पुष्कर जाने वाला पर्यटक जब यहाँ से गुजरता है, तो उसको इस बदबू का सामना करना पड़ता है। ख़ास बात और है, मैं जो आपको कचरा डिपो
जो कचरे डिपो के ऊपर जो कचरे का पात्र रखा होता है उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ जो पूरी तरीके से यहाँ पर खाली है। यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की तो लोगों के सुझाव ये थे कि अजमेर नगर निगम को इस जगह को पैक करना चाहिए, यानी कि कचरे डालने का स्थान भले ही ये हो लेकिन इस जगह को पूरी तरीके से पैक कर देना चाहिए और कचरे उठाने के लिए यहाँ की व्यवस्था अलग तरीके से होनी चाहिए, जिससे कि जो बदबू यहाँ से गुजरते वक्त शहर को महसूस होती है वो नहीं होंगे। और ऐसी पूरे शहर में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर शादी समारोह स्थल अपने कचरे को इस तरीके से कचरे स्थल के ऊपर पटक देते हैं, डाल देते हैं और उसके बाद में बदबू का सामना शहरवासियों को करना पड़ता है। खैर, दूसरी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मोदी सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया है, लेकिन उस बैन के साथ जो कचरे पात्र में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का जो कचरा दिखाई देता है वो चाय की जो पॉलीथीन होती है, नमकीन की पॉलीथीन जो होती है, उसके साथ साथ जो सरस दूध की जो पॉलीथीन्स होती हैं वो पॉलीथीन यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। सरस के माध्यम से एक अभियान जरूर चलाने की कोशिश की जा रही थी कि जो सरस की जो थैलियाँ होती है उनको डेयरी पे ही वापस जमा कराया जाएगा, लेकिन अभी तक वो अभियान कितना धरातल पर उतर पाया है इसकी अभी तक कहीं भी किसी भी शहरवासियों को कोई जानकारी नज़र नहीं आती है। और यही सबसे बड़ी बात जो WHO ने भी अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि सरकारें कई तरीके के अभियान को शुरू तो कर देती है प्लास्टिक को रोकथाम के लिए, लेकिन वो धरातल पर नज़र नहीं आता है। और वही अभियान सरस डेयरी का अभियान रहा है कि उन्होंने अभियान की घोषणा तो की थी कि थैलियों को यूज़ करने के बाद दूध थैली से निकालने के बाद में जो बूथ हैं डेयरी बूथ हैं वहाँ पर जमा किए जाएंगे और उसकी एक राशि जो भी थैली जमा कराएगा उसको दी जाएगी, लेकिन वो अभियान अब कहाँ है उसकी कोई जानकारी नहीं है। खास बात यह है कि अजमेर के अंदर जो पैकिंग होती है प्रोडक्ट की, जिसके अंदर चाय के, नमकीन के बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जिसके अंदर सबसे बड़ा नाम आता है निर्मल चाय का। निर्मल चाय शहर की आपको हर थड़ी के ऊपर दिखाई देगी, सबसे बड़ा नाम उसका आता है। हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की है और हम लगातार उनके बयान को भी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अजमेर के ये जो लोग हैं, जो लोकल व्यवसायी हैं जो पैकिंग अजमेर में करते हैं, आखिर ये प्लास्टिक में जो मटेरियल अपना उत्पाद जो है पैक करते हैं, आखिर उसको बंद क्यों नहीं कर देते हैं। खैर, अब आपको सुनाते हैं जो बाकी के शहरवासी हैं और जो व्यवसायी हैं वो अपनी क्या राय इस पर रखते हैं। प्लास्टिक बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि सबसे आज की डेट में सबसे दूषित पदार्थ जो पाया जा रहा है वह प्लास्टिक है, क्योंकि इस चीज़ का अपन नष्ट नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा हानिकारक पदार्थ सबका कोई ना कोई नष्ट करने का तरीका होता है, इसका कोई भी नष्ट करने का तरीका नहीं है। इसको ज़मीन में गाड़ने से ज़मीन प्रभावित होती है, जलाने से वातावरण प्रभावित होता है और इसका कोई उपाय नहीं निकल पा रहा। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपन आम नागरिक को लोड लेना पड़ेगा। जब तक आम पब्लिक लोड नहीं लेगी इसको किसी भी प्रकार से हम मतलब बैन नहीं कर पाएंगे। गायों की मौत भी हो रही है, इससे अधिक से अधिक जो भी, यही तो कह रहा हूँ, इसको अपन नष्ट नहीं कर सकते। जो भी कोई जीव जंतु अगर इसका उसमें मतलब कोई पदार्थ खा लेता है उससे गायों की पशुओं की मौत हो रही है, जमीन दूषित हो रही है, वातावरण दूषित हो रहा है। सरकार को ये कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को इस पे सख्त से सख्त कानून लगाना चाहिए, साथ में आम पब्लिक को सरकार के साथ जुड़ के इस मुहिम को आगे बढ़ानी चाहिए, हर घर घर तक पहुँचाना चाहिए। जो भी प्रकार के संगठन शहर में या स्टेट में जो लागू हो रखे हैं उन सबको लोड लेना चाहिए, तभी इसी निजात पा सकेंगे। आपका नाम? पंकज सिंह कुल्याणा। प्लास्टिक बंद होनी चाहिए, प्लास्टिक आज के वातावरण को बहुत ही प्रदूषित कर चुकी है, इससे सभी जीव और जंतुओं को नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ वातावरण में भी घातक बीमारियाँ इससे फैल रही है। तो केंद्र सरकार ने जो मुहिम चलाई है उसमें सभी आम नागरिकों को इसका सहयोग करना चाहिए। बिना आम नागरिकों के सहयोग से किसी भी योजना को आज तक सफलता नहीं मिली है। तो इसके कारण जो दुष्प्रभाव वातावरण में फैल रहे हैं, काफ़ी बीमारियाँ छोटे बच्चों को हो रही है, तो इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। शादी समारोह वाले भी कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। शादी समारोह वालों को एक व्यवस्था अपनानी चाहिए, एक पर्टिकुलर कचरे के लिए एक डस्टबिन अलग से अलॉट करना चाहिए उनको, और अगर व्यवस्था नहीं हो तो नगर निगम से संपर्क करके उसके बारे में कुछ ना कुछ उपाय इनको ढूंढना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मनीष। प्लास्टिक से जो नुकसान हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग दूसरे नुकसान हो रहे हैं, साथ साथ जो गायों की मौत हो रही है, जब गायों का ऑपरेशन होता है चाहे किसी भी कारण से ऑपरेशन होता है तो 10-10 किलो 15-15 किलो प्लास्टिक की थैलियां निकल जाती है।
पशु भूख के मारे इधर उधर घूमता है, प्लास्टिक के थैली में खाने का कोई सामान चिपका रहता है और वो गाय उसको खाने के लालच में उसके साथ प्लास्टिक खा जाती है। तो प्लास्टिक जब अंदर जाता है, ये चौपाया जानवर इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, डाइजेस्ट कोई भी नहीं कर सकता है, तो ये पेट में आफरा आना और गाय की मौत का कारण बनता है। जब ऑपरेशन होता है तो 15-15, 20-20 किलो तक प्लास्टिक की थैलियाँ सड़ी हुई अंदर से निकलती है और इस पर गायों की मौत, भैंसों की मौत इसके कारण से हो रही है। और गौ हत्या में बहुत बड़ा सहायक और बहुत बड़ा कारक ये प्लास्टिक की थैलियाँ बन रही है। दूसरा ये है कि शादी समारोह के अंदर जो कचरा बाहर फेंकते हैं प्लास्टिक का, उसके ऊपर तो नगर निगम अजमेर ने वर्तमान में पूरी संजीदा है कि प्लास्टिक के जो खाद बनाने की मशीन है अनिवार्य कर दी है नगर निगम अजमेर ने कि हर समारोह स्थल के अंदर खाद बनाने की मशीन लगेगी, अन्यथा समारोह स्थल सीज कर दिया जाएगा। ये कार्रवाई माननीय आयुक्त महोदय और महापौर महोदय के निर्देशन से ये कार्रवाई चल रही है। शहर के कई समारोह स्थल में मशीनें लग चुकी है। जब गीला कचरा और जो खाद बनने योग्य या डिस्पोजल होने वाला कचरा है वो उसमें चला जाएगा और प्लास्टिक का डिस्पोजल करने का नगर निगम इनसे वापस आगे बात चल रही है और दुकानदार पैक करके दे रहे हैं। मेरी राय के अंदर तो ये है कि प्लास्टिक जब मैन्युफैक्चर के यहाँ से नहीं बन के आएगी तो बेचारा दुकान वाला कहाँ से बचेगा। निश्चित तौर से जागरूकता तो बढ़ी है, आदमी प्लास्टिक कपड़े का थैला काम में लेने लगा है, दुकानदार अपने कागज़ की थैली लेने लगी है, लेकिन बरसों से जो आसानी से प्लास्टिक उपयोग में आसान रहती है प्रयोग में लाने में, उसको अपने जीवन से बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसमें नगर निगम भी संजीदा है, हमारे क्षेत्र के लोग भी संजीदा है और मैं तो यही कहूँगा कि नगर निगम को आक्रामक होकर इस और कार्रवाई करनी चाहिए, व्यापारियों को संजीदगीपने से प्लास्टिक के ऊपर रोक लगानी चाहिए और स्ट्रिक्टली सामान प्लास्टिक की थैली में नहीं बेचना चाहिए। और ग्राहक पूरी जागरूकता से, हम अगर आज के 20 साल पहले जाएंगे तो कपड़े की थैली और कागज़ की थैलियों का ही यूज़ होता था और अब उससे बढ़िया विकल्प आ गए, एक नंबर वाली प्लास्टिक भी आ गई है, कागज़ भी की थैलियाँ भी ऐसी आ गई है, कैरी बैग आ गए हैं कागज़ के जो आसानी से हम लाया जा सकता है। बरसों से जो गाड़ी के पीछे, मोटरसाइकिल के, बाइक के पीछे थैला कपड़े का बांधना अपन ने बंद कर दिया है, वो थैला भी कई लोग लगाए चुके हैं और कम से कम मेरे वार्ड के अंदर तो निश्चित तौर से जागरूकता से ये बात चल रही है कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो ताकि हमारा विश्व का, भारत का, देश का, शहर का, विश्व का पर्यावरण बच सके, पशु पक्षी बच सकें, मूक जानवर बच सकें, गौ हत्या बंद हो सके और जो ये प्रदूषित वातावरण कैंसर का कारण बन रहा है ये सब पर रोक लगे और मानव और पशु और पूरा पर्यावरण स्वस्थ जीवन जी सके।